वेलकम बैक टू माई चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि सर्दी के सीजन में आपको बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, मैंने भी रिव्यूज में कई सारी बनाई हैं, परंतु आज हम उन सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हार्ट अटैक के पहले ही आपको संकेत देने लगते हैं, जिनसे इंडिकेशन मिलता है कि हाँ, हार्ट अटैक आ सकता है। और ये जो सिम्टम होते हैं बहुत ही कॉमन होते हैं और इनको 90% लोग जो है इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, या आपको अटैक पहले आ चुका है, या आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के जो सिम्टम होते हैं उनको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। अगर आपको ये होते हैं तो बिना देरी के आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जैसे कि आपको पता ही है, हार्ट अटैक आने पर बहुत सारे सिम्टम जो है दिखाई देने लगते हैं, लेकिन आप कार्डिक अरेस्ट में तो कोई सिम्टम ही नहीं होता है। कई बार उसका कोई टेस्ट में भी कोई इस तरह का ब्लॉकेज या बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई नहीं आता है। तो ऐसे में और ज़्यादा अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहली बात इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप हेल्दी भी है तब भी आपको एकदम से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या बहुत तेज सर्दी है, ऐसे में आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। ये हमारे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी कई बार हमारी खराब लाइफ स्टाइल या हमारे खाने पीने की वजह से होता है, और कई बार जेनेटिकली भी होता है। तो हार्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपका हार्ट जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो बॉडी जो है पहले ही इंडिकेशन देने लगती है। जैसे कि ब्लड सप्लाई कम होने पर भी आपकी बॉडी में इसके सिम्टम आने लगते हैं, जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो वो है जबड़े में दर्द होना। अगर आपके मुंह में, जबड़े में किसी भी तरह का दर्द आपको फील हो रहा है, कुछ ही दिनों से हो रहा है, अचानक से हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। मोस्टली कि अगर आपके बाएं हिस्से में यानी उल्टी हिस्से में आपको जबड़े में दर्द फील होता है, तो ये हार्ट अटैक का एक सिम्टम माना जा सकता है। इसलिए अगर आपको किसी भी तरह की अकड़न या जबड़े में दर्द है, तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। दूसरा होता है कंधे में दर्द होना, यानी हार्ट अटैक का ही एक सिम्टम होता है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि जो दर्द होता है हमारे बाएं हिस्से में होता है, और ये जब हमारा हार्ट जो है सही से ब्लड सप्लाई नहीं करता, तो हमारे हार्ट के आसपास के हिस्सों में दर्द होने लगता है, और ये हार्ट अटैक का सिम्टम होता है। और ये भी जो है बाईं तरफ होता है और दिल की तरफ से बढ़ते हुए बाईं तरफ जाता है, तो इस तरह का जो दर्द होता है वो भी हार्ट अटैक को इंडिकेट करता है। इसके अलावा पीठ में दर्द होना, जो अगर आप जैसे मैंने कहा हार्ट का हिस्सा जो होता है उसके पास में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो सभी इससे प्रभावित होते हैं जब ब्लड सप्लाई सही से नहीं होती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये आपका हार्ट का पीठ का हिस्सा जो होता है, पीछे का बाईं तरफ का जो हिस्सा होता है, उसमें भी ये दर्द आपको महसूस हो सकता है। और अगर आपको इस तरह का दर्द महसूस हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके बाद नेक्स्ट होता है बाएं हाथ में दर्द होना, यानी कि आपका जैसे मैंने कहा कंधे से होते हुए पूरे हाथ में ये दर्द फैलता है, ये भी हार्ट अटैक का सिम्टम होता है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सीने में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है, जैसे सभी जानते हैं बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत तेजी से दर्द करता है, लेकिन इसको लेकर के कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कभी ये जो दर्द होता है वो गैस का भी हो सकता है, तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हार्ट अटैक का दर्द है वो किस तरह का होता है और गैस का दर्द कैसा होता है। तो एक कॉमन सिम्टम आप समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक के दर्द के साथ में आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में भारीपन होता है, और साथ ही साथ आपके पूरे बाएं हिस्से में अकड़न होती है, गर्दन में, जबड़े में और बाएं हाथ में और पीठ में ये सभी दर्द इकट्ठा होता है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हार्ट अटैक आया है, और पेशेंट को तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए। तो ये सभी जो सिम्टम होते हैं वो हार्ट अटैक आने के पहले ही आपको आने लगते हैं, और अगर आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो बिना देरी के डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसके अलावा
प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ और सिम्टम बताए थे जो कि हार्ट अटैक आने पर ही होते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन, या फिर पसीना आना, या बेहोशी होना, हाथ पैरों में सुन्नता आना, ये सभी हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं जिस टाइप पे अटैक आता है। तो इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने पास के मेडिकल या हॉस्पिटल का नंबर रखें, एम्बुलेंस का नंबर रखें, कुछ जो ब्लड थिनर होते हैं वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, छेद है, या हाई बीपी की समस्या है, या किसी भी तरह का कहीं पर भी ब्लॉकेज बताया है डॉक्टर ने, तो ये सब चीज़ को लेकर के थोड़ा अवेयर रहे और हेल्दी रहे, खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, बाहर जाने के पहले अपने आप को अनुकूल बनाएं। तो आई होप ये सभी चीज़ें आप करेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट रखेंगे। तो वीडियो की जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।